शासन के निर्देश के क्रम में जिले में 23 नवंबर से शुरू हुए सक्रिय रोगी खोजी अभियान को लेकर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर जिले में नए टीबी मरीजों को खोजने के लिए 5 दिसंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फेफड़ों की टीबी से ग्रसित एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसार खांसने और छींकने के दौरान निकलने वाले ड्रॉपलेट्स के जरिए होता है। सिर्फ फेफड़ों की टीबी ही संक्रामक होती है। देखिए, आज 23 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक एक्टिव केस फाइंडिंग, ACF जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये प्रत्येक इस दरमियान जो है टीबी के विषय में प्रचार प्रसार किया जाता है। उसका टीबी है क्या, इसका लक्षण क्या है, इसका जांच क्या है, इसका उपचार है, इसके विषय में लोगों को जागरूक करना है। अगर आपको किसी तरह का बुखार आ रहा हो, खांसी है 2 सप्ताह से ज़्यादा, भूख नहीं लग रही, वजन घट रहा, तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आएं और अपना बलगम का जांच कराएं। जांच के उपरांत अगर आपको पॉजिटिव मिलता है, टीबी का पॉजिटिव केस आप कंफर्म होते हैं, तो आपका इलाज भी मुफ्त मिलेगा और साथ साथ आपकी देखभाल भी की जाएगी। साथ साथ सरकार की तरफ से 500 रुपये का पर मंथ के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा, जिसे DBT कहते हैं। सर, 5 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है, क्या क्या अभियान के तहत किया जाएगा? अभियान के तहत खोजी अभियान है ये, एक्टिव केस फाइंडिंग, उन्हें खोजना है कि किसी को अगर खांसी बुखार है तो उस मरीज को ला करके जांच कराना है, बलगम का खास करके जांच करा करके, और उसमें ये देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव है तो दवा शुरू हो जाएगा। अर्ली डिटेक्शन है हमें, जो 2025 तक जो लक्ष्य है कि टीबी मुक्त भारतवर्ष को बनाना है, टीबी मुक्त बनाना है, उसके लिए हम लोग डोर टू डोर, हमारी वाहन जा रही है, हमारे आशा वर्कर, हमारी टीम लगी हुई है, सबको ये बताने के लिए कि आपको अगर खांसी है, बुखार आ रहा है, तो आएँ, जांच कराएं और इसका उपचार भी कराएं, ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके लक्षण क्या है, मरीज किस तरह जाने की हमको? जैसे अगर इसका लक्षण मुख्य रूप से पाँच है, जैसे कि अगर खांसी है, 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है, बुखार आ रहा है, वजन घट रहा है, भूख नहीं लग रही है, रात में अगर पसीना आ रहा है, तो ये लक्षण है टीबी हो सकती है। इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए हम लोग खखार बलगम का जांच कराते हैं। इसके अलावा और भी सुविधाएं हैं, सीबी नट कराते हैं, ट्रू नट कराते हैं, बहुत सारी सुविधाएँ, और दवा का भी है निःशुल्क। हम लोग अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, 2 तरह का टीबी है बॉडी में, एक को कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, एक तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स के बाहर जितने ट्यूबर शरीर के अंदर किसी भी पार्ट में हो सकता है, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट 2 तरह का होता है, एक ड्रग रेजिस्टेंट और एक ड्रग सेंसिटिव। ड्रग सेंसिटिव में 6 महीने का इलाज, अगर 6 महीने व्यक्ति किसी तरह का इंटरप्शन, बिना विदाउट इंटरप्शन अगर वो दवा खा लेता है, तो 100% वो टीबी से मुक्त हो जाएगा। उसी तरह से ड्रग रेजिस्टेंट केसेस में होता क्या है कि उसका इलाज जो है 1.5 से 2 साल चल तक